अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? सब खैर खैरियत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहता हूं, जिन लोगों को नहीं पता कीलेस एंट्री क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है और ये बनी किस लिए और इसका कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले ये जो रिमोट है, ये ई मोबिलाइज़र वाला रिमोट है। देखें, जब तक ये चाबी इसकी अपनी नहीं होगी, मतलब जब तक ये डिटेक्ट नहीं करेगा, तब तक ये लाइट ब्लिंक करती रहेगी। ये रिमोट के साथ, इसे ई मोबिलाइज़र कहते हैं, जो ये लाइट है इसे ई मोबिलाइज़र कहते हैं। और ये जो रिमोट है, ये कीलेस एंट्री है, ठीक है, जिसकी चाबी नहीं होगी, जिसका रिमोट होगा जिस तरह ये है अपना, ठीक है, ये वाला, ये इसका रिमोट है, तो इसे कहते हैं कीलेस एंट्री, ठीक है। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप लिखा, ये है कीलेस एंट्री, ठीक है, तो बगैर चाबी के मतलब इंटर हो जाना, ठीक है भाई। दूसरी बात जो है ना, इस रिमोट के अंदर एक चाबी होती है, इसकी मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है। ये देखिए, चाबी बनी है, पुश इसको दबाएंगे चाबी बाहर आ जाएगी। वो बेसिक इन चीज़ों के लिए होती है, ये शिफ्ट लॉक यूज़ करने के लिए होती है, या डिग्गी खोलने, जब रिमोट का सेल ख़त्म हो जाएगा तब वो निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कीलेस एंट्री क्या होता है और इसका बेसिक मकसद क्या होता है, ठीक है। और जो इसमें सेंसर है पड़ा, उसका भी मैं आपको मकसद बता देता हूँ कि वो सेंसर है किस लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई गाड़ी में इंजन मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकल कोई इशू है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी गाड़ी का मसला फिक्स कर दूंगा। और अपने दोस्तों से भी ये शेयर करें, उन्हें भी मेरे चैनल का बताएं, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। आपको जो है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं नहीं पता उनका भी आपको बता दूंगा, जो आपको नहीं पता वो भी आपको बता दूंगा। आए हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कीलेस एंट्री होती क्या है। ये देखें, ये इसका सेंसर है, ये देखें, ये लॉक हो गई है, ठीक है। अब जो कीलेस एंट्री है वो बगैर कोई बटन दबाए ये आपने खोला तो ये खुल जाएगी, मतलब कि आप रिमोट आपके हाथ में हो या जेब में होगा, ये रिमोट आपके हाथ में होगा या आपकी पॉकेट में होगा तो ये ऑटोमेटिक, आप जैसे इसके पास आएंगे तो इसको डिटेक्ट करके आप इसको दरवाज़ा खोलेंगे और इसका दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे खुद जो लगवाया जाता रिमोट, उसका बटन अनलॉक करना पड़ता है, लॉक करनी पड़ती है, ठीक है। इसका जो मैंने आपको सेंसर दिखाया, वो मैं आपको सेंसर दोबारा दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये इसका सेंसर है, जो इसके ऊपर दो लाइन बनी हुई है, ये वाली, ये इसका सेंसर है। जब आप अगर आपकी पॉकेट में रिमोट है तो आप सिर्फ जो है ना, उस दो सेंसर के ऊपर टच करेंगे, लॉक हो जाएगी, ठीक है, आप चले जाएंगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी। आप 2 से 3 मीटर ऐसे दूर जाएंगे, चाहे वो कोई भी उस सेंसर को मतलब है हाथ लगाएगा, वो अनलॉक नहीं होगी। जब तक आप रिमोट आपके पॉकेट में होगा ना, तो वो खुद ब खुद ये जो लाइट है ना, ये छोटी सी लाइट, ये इसको डिटेक्ट कर लेगी, ये इसको डिटेक्ट कर, इसका सेंसर है, कंप्यूटर बता देगा कि भाई इसके पास रिमोट है, और ऑटोमेटिक बगैर कोई ये बटन दबाए या ये बटन दबाए, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप आके बस इसके दरवाजे को ओपन, डोर को ओपन करेंगे और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। आपको कोई बटन दबाने का मकसद ही नहीं बनता, ऑटोमेटिक खुल जाएगी। जो ग्रैंडे है, फेस लिफ्ट है, होंडा में है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, एक जो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी, आप दरवाजा खोलेंगे वो ओपन हो जाएगी। ये होती है कीलेस एंट्री, बगैर चाबी लगाए कुछ किया आपका डोर ओपन हो जाता है। और दूसरा कीलेस एंट्री का जो मकसद होता है, ये बटन, यहाँ पे चाबी होती तो वो कीलेस ना होता, ठीक है ना, वो चाबी वाली जैसे नॉर्मल गाड़ी तो वैसे होती है। ई मोबिलाइजर की में भी आया है, कीलेस एंट्री रिमोट में भी ई मोबिलाइजर है, ई मोबिलाइजर दोनों में, अब तकरीबन सब में ई मोबिलाइजर आ रहा है। सिर्फ आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि कीलेस एंट्री एक इसे कहते हैं, ठीक है, बटन जो लगा हुआ इसे कीलेस एंट्री कहते हैं। जो आपको सेंसर दिखाया है इसका रिमोट का, कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप सिर्फ उस सेंसर के ऊपर हाथ रखेंगे, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है। और जब आप पास आएंगे, आपको कोई बटन नहीं दबाना, जैसे आप डोर खोलेंगे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके खोले। अगर आप 3 मीटर दूर हैं और आपके साथ कोई दूसरा बंदा है
तो वो खुलेगा, तब भी वो नहीं खुलेगा। आपके पास रिमोट होगा, आपकी जेब में होगा या आपके हाथ में होगा, तो उसकी रेंज के मुताबिक होगा। तो आप सिर्फ डोर खोलेंगे कोई बटन दबाए बगैर, तो उसका डोर ओपन हो जाएगा। इसे कहते हैं कीलेस एंट्री, जो बगैर चाबी कुछ किए वो गाड़ी को अनलॉक कर देता है। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को जो है ना अपने दोस्तों के साथ जो है ना उनको बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे, इस तरह छोटे छोटे टिप्स आपको बताता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।